अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 2। आज का हमारा टॉपिक, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नोन एज द टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। इस चैप्टर में जो सबसे अहम चीज़ है वो है टाइम डिपेंडेंसी। तो हम देखेंगे कि टाइम के लिहाज से जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है वो कैसे चेंज होते हैं। So till now we have studied Hamiltonians that do not depend explicitly on time. Okay, this means quantum statistics. Now in this chapter we are going to consider the approximation methods treating Hamiltonians that depends explicitly on time. तो अब हम जो Hamiltonian या वही function जो भी हम calculate करेंगे that will depend on time. Example given, time dependent processes such as atomic transitions means atom में जो transition होती हैं from one level to the other, तो अब electron को एक level से दूसरे level तक पहुंचने में time लगता है, right? So that time becomes as a time dependency for the wave function of the electron. इसी तरह से decay process जो होते हैं, nuclear decay process जो होते हैं, they are also involving time, half life. आपने पढ़े होंगे उस तरह की। They also need time-dependent perturbation theory, known as the quantum dynamics, means quantum mechanics in motion. So to study the structure of molecular and atomic system, we need to know how electromagnetic radiation interacts with these systems. As system absorbs or emits radiation, it undergo transition from one state to another. ठीक है, सो दिस चैप्टर कंटिन्यूज विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेक्शन रूल एंड द स्पिन फोटॉन। ये चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे इन चीजों को, बट लेट्स स्टार्ट विद द टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। सबसे पहले हमें जो वेव फंक्शन है वो टाइम पर डिपेंड करता है, या अगर करे तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, पहले हम उसको देखते हैं। So the first topic is time evolution of a system. So the time evolution of the state vector means psi of 0 or psi of ti. So 0 mean time 0 hai, ti mean ye koi bhi initial time hai of a system is managed by the time dependent Schrodinger equation. तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, हमने पहले पढ़ी हुई है, आयोटा एच कट पार्शियल साई और पार्शियल टी इज इक्वल टू एच साई, या एच साई इज इक्वल टू ई साई होता था, और ये ई की वैल्यू है। आई होप ये सारी चीजें आपको याद होंगी। सो ये जो है वेव फंक्शन, अब इसको उन्होंने लिख दिया टी के लिहाज से, सो दिस इज टी एंड दिस इज ऑल्सो टी, राइट। तो अब ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई है, यानी कि उसकी जनरल फॉर्म है बेसिकली। सो वेयर एच इज टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, एच के साथ हमने ब्रैकेट में टी नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये एच जो है हैमिल्टोनियन, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता। करस्पॉन्डिंग टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके। सो वी वॉन्ट टू एग्जामिन हेयर हाउ क्वांटम स्टेट इवॉल्व विद टाइम। तो जो क्वांटम स्टेट है psi of t, ये टाइम के लिहाज से कैसे इवॉल्व करेगी, मींस मूव करेगी या ग्रो करेगी, तो वो हमने बेसिकली एग्जामिन करना है। दैट इज कंसीडर द इनिशियल स्टेट psi of t of i, कि कोई भी एक स्टेट है जिसका टाइम जो है वो हमने ti ले लिया, कोई भी इनिशियल टाइम, इनिशियल स्टेट होगी हमारी ये, where ti is the instant of initial observation. How does one find the state psi of t? तो psi of t एक और नई स्टेट है, एक डिफरेंट स्टेट है, at any time later. तो बाद में कुछ देर बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद, let's say t जो टाइम था वो पास आउट हो गया, तो सिस्टम स्टार्ट हुआ ti से और सिस्टम एंड हुआ t पे, राइट। तो ये उन दोनों के लिए डिफरेंट स्टेट्स होंगी। सो द टू स्टेट्स कैन बी रिलेटेड बाय मींस ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। तो अब हम इन दोनों स्टेट्स को एक लीनियर ऑपरेटर के जरिए कनेक्ट करेंगे, सच दैट
So this is how we write these two states in a correlation with the linear operator. कि जो हमने कहा था psi of t जो state है, psi of t means वो state जो कुछ time गुजरने के बाद हमने define की, वो equal होती है u of t i means u एक unitary operator है, ठीक है? इसको हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के नाम से अब हम इसको आप कह लें डिजाइन करेंगे, क्लेम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो यू इज द टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर और ये टाइम डिपेंड करता है, ये ऑपरेटर किसका फंक्शन है, ये टी का और टी आई का. तो ये इन दोनों का एक फंक्शन है. अब ये ऑपरेटर क्योंकि ऑपरेटर है, इसके ऊपर कैप है, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है. ये ऑपरेटर अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है? ये अप्लाई हो रहा है साई ऑफ टी आई पे. साई ऑफ टी आई क्या था हमारे पास? ये इनिशियल स्टेट थी जहां से टाइम शुरू हुआ, ओके? और कुछ देर बाद हम इस स्टेट पे पहुंचते थे विच वाज साई ऑफ टी. तो यहां से जाहिर होता है कि टी जो है वो ग्रेटर होगा टी आई से, क्योंकि टी आई इनिशियल टाइम था और कुछ वक्त गुजरने के बाद जो टी है वो आपका टाइम है. सो वेयर यू ऑफ टी आई इज नोन एज द टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर और द प्रोपिगेटर. और ये प्रोपिगेटर भी कहलाता है, मींस जो के सिस्टम को प्रोपिगेट या टाइम को प्रोपिगेट करता है. एंड इज डिफाइंड एज यू ऑफ टी आई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू टी माइनस टी आयोटा into h slash h cut. ये h Hamiltonian है पहले, divided by h cut, ये Planck's constant है. e to the power iota minus iota t into t minus, ये जो है ये time factor है basically, e to the power minus iota t h over h cut होता है. लेकिन यह हमारे पास जो time है, जो total time जो होगा, जिस जो इस प्रोसेस में यूज होगा वो फाइनल टाइम मींस जो टी था माइनस इनिशियल टाइम जो कि टी आई था. तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास जो इन बिटवीन जो टाइम है उसकी वैल्यू आएगी. और ये जो ऑपरेटर है ये उस टाइम में जो स्टेट है उसको प्रोपिगेट करता है साई को, यानी कि सो एज यू ऑफ टी आई इज यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर for which u of t i, ये हमारा ये ऑपरेटर है, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर. एंड u dagger t t i, अब ये जो dagger है या आप इसको actually ये dagger है, आप इसको कई नाम दे सकते हैं, but technically it's a dagger. dagger use किया जाता है quantum में, यानी कि inverse के लिए, उसके उलट के लिए, उसके वो कहते हैं अपोजिट के लिए. तो ये u of t एक ऑपरेटर है और ये u dagger of t i ये उसका एक इनवर्स ऑपरेटर है, उसका अपोजिट ऑपरेटर है. तो ये जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आएगा आइडेंटिटी, ठीक है? क्योंकि जब ये u और उसका इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑफ कोर्स आंसर आता है 1 आइडेंटिटी, ओके? प्लस y माइनस y 0, आई मीन इट्स नॉट 0 बट आइडेंटिटी मीन कि आइडेंटिटी ऑपरेटर बनेगा. यूनिटरी ऑपरेटर किस में बन जाएगा? आइडेंटिटी ऑपरेटर में. ये आप देखें i के ऊपर ये कैप यूज ही हुई है. सो दस वन कैन आल्सो राइट एज psi ऑफ टी आई इज इक्वल टू psi dagger t of t i into psi of t. अब ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये इक्वेशन इनवर्स है. कैसे? कि यहां जो है ये इनिशियल टाइम है और ये जो डैगर है ये ऑपरेट हो रहा है उस स्टेट पर जो कुछ टाइम के बाद जनरेट होती है स्टेट साई, ठीक है? तो ये बेसिकली इनवर्स ऑपरेटर है यूनिटरी टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का. तो अगर ये इनवर्स है, उसका उलट है, उसका अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि अगर ये यू टाइम
प्रोपिगेट करता है या प्रोड्यूस करता है, आसान लफ्जों में आप ये कहें कि अगर यू टाइम पैदा करता है तो यू ऑफ डैगर जो है ये टाइम क्या करता है, वापस ले लेता है, उसको खत्म कर देता है, उसको रिवर्स कर देता है। आप सादे अल्फाज में कुछ भी कह सकते हैं लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इस तरह से हम नहीं कह सकते, तो मैं इसे समझाने के लिए डिफरेंट मीनिंग्स यूज कर रहा हूं। सो यू डैगर एक्चुअली टेक्स द टाइम फ्रॉम द स्टेट। तो जब साई ऑफ टी जो कि कुछ टाइम के बाद जो स्टेट आती थी उसके ऊपर आप वो ऑपरेटर अप्लाई करें जो कि उससे टाइम ले ले, तो ऑफ कोर्स वो सिस्टम कहाँ चला जाएगा, वो सिस्टम वहां चला जाएगा जहां से वो शुरू हुआ था, यानी कि टी आई से। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये ऐसा ऑपरेटर है यू डैगर जो कि टाइम लेता है या रिवर्स करता है। तो ये जब ऐसी स्टेट पर ऑपरेट होगा जो टाइम पर डिपेंड करती है तो ऑफ कोर्स उसका टाइम खत्म होकर वो इनिशियल स्टेज पे चली जाएगी। सो इन टाइम इंडिपेंडेंट केस वी यूज द श्रोडिंगर पिक्चर व्हिच साई डिपेंड्स ऑन टाइम व्हाइल एच डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। और टाइम डिपेंडेंट केस में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन पिक्चर साई एंड एच व्हिच डिपेंड्स ऑन टाइम। आई होप कि आपको ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का प्रोसेस कुछ समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नोन एज द टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। इसी नाम से ये चैप्टर है और अब हम उस टॉपिक को स्पेसिफिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन थ्योरी बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द सिस्टम्स आर टाइम डिपेंडेंट। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन की बात हम बार बार कर रहे हैं इसको भाई हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। सो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल वो दे रहे हैं वो कहते हैं कि वो होती है अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो इन दिस थ्योरी वी कंसीडर दोस फिनोमेना दैट आर डिस्क्राइब्ड बाय हैमिल्टोनियन व्हिच कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो अब हम इसमें ऐसा हैमिल्टोनियन लेंगे जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होगा। कौन से दो हिस्से? फर्स्ट वो होगा जी टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट एच नॉट, यानी कि ऐसा हैमिल्टोनियन जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इसको फ्री हैमिल्टोनियन भी कह सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो है उस हैमिल्टोनियन का वो होता है टाइम डिपेंडेंट पार्ट, यानी कि वो हैमिल्टोनियन जो टाइम पर डिपेंड करें, और यहां हम उसको वी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कहेंगे कि आप एच ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर दें, ऑफ कोर्स इट विल बी बेटर, बट वी ऑफ टी विल हेल्प यू इन डिफरेंशिएटिंग। सो हियर वी ऑफ टी बिकम्स एज द टाइम डिपेंडेंट पार्ट और द इंटरैक्टिंग हैमिल्टोनियन पार्ट। ओके, तो ये जो स्प्लिट कर रहे हैं हम इसको हैमिल्टोनियन को, तो वो बेसिकली है एक टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट एच नॉट और एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट वी ऑफ टी। और वो कह रहे हैं कि वी ऑफ टी जो है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एच नॉट, बट लेट्स सी। सो अब यहां हम जो टोटल हैमिल्टोनियन ले रहे हैं, ठीक है, यहां हमने क्यों नहीं लिया एच ऑफ टी, वो इसलिए कि अब हम एच ऑफ टी को कहेंगे टोटल हैमिल्टोनियन which is equal to h naught यानी कि unperturbed और time independent Hamiltonian plus v of t means time dependent Hamiltonian। ये equation आपको easily समझ आ जाएगी अगर आपने chapter 2 में perturbed और unperturbed Hamiltonian के बारे में पढ़ाया तो। so h of t will be our time dependent Hamiltonian जिसके अंदर independent टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों पार्ट एड अप हो गए होंगे। ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं कंसीडर करें कोई ऐसा सिस्टम व्हिच व्हेन अनपर्टर्ब्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय अ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन एच नॉट हुज एग्जैक्ट सॉल्यूशंस द आइगन वैल्यू en एंड आइगन स्टेट्स साई एन आर नोन। तो हमें पता है कि जब हम एक इनिशियल सिस्टम लेते हैं, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम लेते हैं, तो उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स हमें पता होती हैं। चैप्टर 2 में हमने ये कई बार डिस्कस किया इस चीज को। सो एच नॉट
the unperturbed Hamiltonian as well as time independent Hamiltonian, जब वो ऑपरेट करता है साई एन पे, साई एन कोई ऐसी स्टेट है जो कि अनपर्टर्ब्ड है, तो आंसर आता है आपके पास ई एन साई एन। ये अगेन सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन है, आप इसको अनपर्टर्ब्ड श्रोडिंगर इक्वेशन भी कह सकते हैं, या आप कंप्लीट बोलें तो इसको आप कहेंगे अनपर्टर्ब्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, कि ये अनपर्टर्ब्ड भी है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम भी है। Moreover, the most general state vectors are given by stationary states. ये जो है अब हम एक state vector की बात करने जा रहे हैं, means आप एक नई state लेंगे psi n जो कि time पर depend करेगी, with that will be equal to e to the power minus iota t h naught over h cut. Means वो फेज वेक्टर, वो यूनिटरी ऑपरेटर वाला फैक्टर, लेट मी शो यू अगेन दिस फैक्टर, ये यूनिटरी ऑपरेटर ही है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है जी। ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर इक्वल होता है ए टू द पावर माइनस आयोटा, इस सारे को हम बोलेंगे टी, सो ए टू द पावर माइनस आयोटा टी एच हैमिल्टोनियन डिवाइड बाई एच कट। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है ए टू द पावर माइनस आयोटा टी एच नॉट ओवर एच कट, ठीक हो गया। और साई ऑफ एन ये हमारी वो स्टेट है अनपर्टर्ब्ड स्टेट। तो अब ये जो है फेज फैक्टर, इसको हम फेज फैक्टर भी कहते हैं, या आप इसको टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू भी कह सकते हैं, जब ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू इस स्टेट पर अप्लाई होगी, तो क्योंकि ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू है, तो ये इस स्टेट पर जब अप्लाई होगी तो इस स्टेट को कन्वर्ट कर देगी एक ऐसी स्टेट में जो कि टाइम पर डिपेंड करती है। सो दिस साई ऑफ एन बेसिकली कमिंग फ्रॉम दी दिस एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको फेज फैक्टर भी कह सकते हैं, या आप इसको आप कह सकते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू। अब ये जो है ये इक्वल होती है अगेन इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क क्या है, यहां पर लिखा हुआ है h नॉट और यहां लिखा हुआ है en। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन व्हेन h नॉट इज ऑपरेटिंग ऑन साई n, तो जब ये h नॉट साई n पर ऑपरेट होगा, तो h नॉट साई n पर ऑपरेट होके क्या आंसर देता है en साई n, तो ये बेसिकली en साई n ही लिखा हुआ है यहां पे, ओके। सो दिस कैपिटल साई ऑफ टी मीन्स एस अ टाइम एवोल्यूशन फंक्शन, वो इक्वल होगा इस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस आयोटा टी ई एन ओवर एच कट इनटू साई ऑफ एन। तो हम अपने आज के लेक्चर का यही खत्म करते हैं, कल जो है हम फिर ये जो हमने टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन जो फैक्टर है वी ऑफ टी जो लिया है, इसकी फिर हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।